हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं हम आज वापस बीएससी फर्स्ट ईयर अलजेब्रा यूनिट नंबर सेकंड, चैप्टर नंबर 4, अनंत श्रेणी के अभिसरण और अपसरण, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। दैट यहाँ पे दोस्तों हमने एक्सरसाइज फोर्थ ए कर ली है, फोर्थ बी भी कर ली है, फोर्थ सी में हमने दोलंबर, जो हमारे पास टॉपिक था, दोलंबर अनुपात परीक्षण और लघुगुणकीय अनुपात परीक्षण, इन दोनों में हमने इनके एग्जाम्पल किए थे, एग्जाम्पल नंबर 5 तक किए थे, ठीक है। और आगे हम करेंगे जो इसके क्वेश्चन है दोस्तों, फोर्थ सी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं, वैसे मैं पूरे से पूरे कराने की कोशिश करूंगा। दैट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ये इस प्रकार से है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और जल्दी से जल्दी सीधा अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपकी प्राप्त हो सके। और अपने जल्दी से जल्दी दोस्तों को भी बता दो, जल्दी से जल्दी की क्लास स्टार्ट हो गई है सिद्ध अकेडमी, जिसमें हमारा जो यूनिट नंबर सेकंड चैप्टर 4 अनंत श्रेणी के अभिसरण और अपसरण में एक्सरसाइज फोर्थ सी की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पे किस प्रकार से दे रखा है, 1 upon 2 की पावर 2 plus 1 upon 3 की पावर 2 plus 1 upon 4 की पावर 2 plus ... इस प्रकार से। देट यहाँ पे मैं अगर इसको इस प्रकार से भी लिखूँ, 1 upon 1 की पावर 2 इस प्रकार से भी लिखूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। un इज इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 1 upon बेस क्या है, 1, 2, 3, 4 देट n, और यहाँ पावर भी क्या है, 2, 2, 2, सब में क्या दे रही है दोस्तों, 2 दे रही है। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो पावर है इस प्रकार से आ जाएगी, यानी कि अभिसरण का nवा पद, यहाँ लिख सकते हैं अभिसरण का nवा पद, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने इसको लिख लिया, ठीक है। देन श्रेणी के, अब यहाँ पे देखो दोस्तों, एक मिनट, यहाँ पे पावर 2 है, ठीक है, पावर 2 है। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, दो नंबर से नहीं करके जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था सहायक श्रेणी से, इसको मैं कर सकता हूँ। दैट यहाँ पे देखो vn, ठीक है, अभिसरण की सहायक श्रेणी या फिर श्रेणी के सहायक पद, यहाँ लिख देता हूँ मैं श्रेणी के सहायक पद। और दोस्तों श्रेणी के सहायक पद किस प्रकार से हो जाएगा, vn इज इक्वल टू 1 upon n² हो जाएगा, ठीक है। यानी सहायक पद भी यही होता है, यानी इसके मल्टीपल मान लो 1 है, तो यहाँ पे 1 के मल्टीपल में 1 upon n² दैट यहाँ पे मैं कर सकता हूँ श्रेणी के सहायक पद। दैट यहाँ पे मैं लिमिट n - ∞ un upon vn = 1 upon un का 1 क्या है दोस्तों, 1 upon n² vn का n² upon 1, देन यहाँ पे ये कट जाएगा इज इक्वल टू 1, और 1 is not equal to 0 है, 1 is not equal to यहाँ पे दोस्तों 0 है। या फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो वैल्यू है वो, या अभिसरण का मान है वो किस पर निर्भर करेगा, सहायक श्रेणी पर निर्भर करेगा दोस्तों यहाँ पे। देन vn यानी कि अभिसरण का मान, यहाँ लिख देता हूँ मैं अभिसरण का मान सहायक श्रेणी पर निर्भर करेगा, जो कि क्या है, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है, निर्भर करेगा, ठीक है। तो हाइपर हार्मोनिक श्रेणी vn इज इक्वल टू यहाँ पे दोस्तों क्या है, 1 upon n की पावर p इज इक्वल टू 1 upon n की पावर 2 देर की। देट यहाँ पे p की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों कितनी है, 2, देट 2 इज ग्रेटर देन टू 1, यानी कि कौन सी श्रेणी हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे, अभिसारी श्रेणी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, अभिसारी श्रेणी होगी। देट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में करने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेकेंड, क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, सेकेंड नहीं थर्ड लिख देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर में थर्ड लिख देता हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन छुड़ा रहा हूँ आप सेल्फ करने की कोशिश करना, मैं मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। देट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार 1 upon 1 plus 2 की पावर p upon factorial 2 plus 3 की पावर p upon factorial 3 plus 4 की पावर p upon factorial 4 plus ... इस प्रकार से हमारे पास क्या है, ये श्रेणी दे रही है हमें इस प्रकार से। दैट यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ इसका समीकरण का
एनवा पद, या फिर मैं लिख देता हूँ मैं एनवा पद, ठीक है, एनवा पद श्रेणी का एनवा पद किस प्रकार से आ जाएगा, यू एन। देखो इसको मैं इस प्रकार से लिख, वन की पावर पी अपॉन फैक्टोरियल वन, इस प्रकार से लिख सकता हूँ दैट यहाँ पे वन से स्टार्ट हो रहा है, दैट यहाँ पे एन वन टू थ्री और पावर पी है ये पी, यहाँ पर भी फैक्टोरियल एन आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, फैक्टोरियल एन आ जाएगा, दैट यहाँ पे मैं यू एन प्लस वन, यानी दो नंबर, अब यहाँ पे मैं निकालना चाहता हूँ यू एन प्लस वन इज इक्वल टू यहाँ पे एन की पावर, या फिर मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ एन प्लस वन की होल पावर पी, और या फैक्टोरियल एल प्लस, या फैक्टोर एन प्लस वन, दैट यहाँ दो नंबर अनुपात परीक्षण, दो नंबर अनुपात परीक्षण से, अनुपात परीक्षण से, ठीक है, दो नंबर अनुपात परीक्षण से, और यहाँ पे मैं लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे यू एन की वैल्यू दोस्तों क्या दे रखी है, एन की पावर पी अपॉन फैक्टोरियल एन इज मल्टीपल बाई यू एन प्लस वन, दैट यहाँ पे ये चीज़ नीचे रहेगी ये ऊपर आ जाएगी, दैट यह एन प्लस वन फैक्टोरियल एन प्लस वन तो ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे एन प्लस पी एन प्लस वन की होल पावर पी क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, दैट यहाँ पे मैं कॉमन लेने की कोशिश करूँगा दोस्तों इस प्रकार से, इसको देखो लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू एन की पावर पी, और फैक्टोरियल एन को तो मैं इस प्रकार से रख रहा हूँ, और यहाँ से मैं इसको जब एक स्टेप आगे लिखूँगा तो एन प्लस पी बाहर आ जाएगा और फैक्टोरियल एन रह जाएगा अंदर, और यहाँ पे मैं एन की पावर पी कॉमन ले लिया, एन कॉमन लूँगा दैट वन प्लस वन अपॉन एन की होल पावर पी, इस प्रकार से क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एन की पावर पी कॉमन आ जाएगा, दैट जो कट रहा है उसको काट देते हैं, एन की पावर पी से एन की पावर पी फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कट गया, दैट यहाँ पर हमारे पास बचा क्या दोस्तों, यहाँ पे या एन डैश टू इनफाइनाइट में जब वैल्यू रखने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो मैं अनंत ये यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाएगा, यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाएगा, दैट वन की पावर पी एन पी होता है, या यहाँ पे वन ही हो जाएगा, दैट यहाँ पे हमारे पास लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट आ जाएगा, टोटली क्या आ जाएगा दोस्तों, इनफाइनाइट आ जाएगा यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू यहाँ पे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इज ग्रेटर देन टू वन होता है, देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जो श्रेणी होगी वो अभिसारी होगी, अतः अभिसारी श्रेणी होगी, अतः अभिसारी श्रेणी होगी, ठीक है, अभिसारी श्रेणी होगी। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे दैट ये क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, और आगे वाला क्वेश्चन है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर में बात करना चाहूँ आगे पांचवा क्वेश्चन, ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन इसके साथ करवा देते हैं, हमारे पास आई थिंक थोड़ी बहुत जगह है इसमें, ठीक है, तो मैं पांचवा क्वेश्चन भी मैं करवा देता हूँ यहीं पे इसी के साथ ही। देखो क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव हमें क्या कह रहा, देखो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन सेल्फी करना दोस्तों, और यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर फाइव इस प्रकार से कि इसकी सीरीज दे रही है वन प्लस, देखो वन प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस टू अपॉन वन प्लस टू की पावर टू प्लस थ्री अपॉन वन प्लस टू की पावर थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से दैट यहाँ पे देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे इसको करने का जो तरीका होगा वो हमारे पास इस प्रकार से होगा, यानी कि यदि मैं देखो सीरीज यहाँ से बनना स्टार्ट हो रही है सेकंड स्टेप से, ठीक है, यहाँ से बनना स्टार्ट हो रही है सीरीज, ठीक है, यानी इस पद को मैं छोड़ने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, देन यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि प्रथम पद को छोड़ने पर अभिसारी अपसारी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ पे क्या कह रहा हूँ मैं कि प्रथम पद को छोड़ने पर अभिसारी व अपसारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, यानी कि प्रथम पद को मैं छोड़ूं
तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दैट यहाँ पे मैं इसका जो यहाँ पे हमारे पास एनवा पद, श्रेणी का एनवा पद और श्रेणी का एनवा पद इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखो, सबसे ऊपर देखो 1 2 3 ऐसी काउंटिंग हो रही, 1 से स्टार्ट हो रही है। दैट यहाँ पे ऊपर क्या जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एन आ जाएगा। और यहाँ पे नीचे देखो, ये 1 1 तो सब जगह कॉमन आ रहा है, ये 1, ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। दैट यहाँ पे 2 की पावर n आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। दैट यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से आ गया। और यहाँ पे un+1 ले रहा हूँ, और un+1 क्या जाएगा, n+1/1 2 की पावर n+1 इस प्रकार से हमारे पास ये आ गया। दैट यहाँ पे मैं इसको करने की कोशिश की, और यहाँ पे दोलंबर अनुपात परीक्षण से यहाँ लिख देता हूँ मैं, दोलंबर अनुपात परीक्षण से। और दोलंबर अनुपात परीक्षण हमें क्या कह रहा है देखो यहाँ पे, कि लिमिट n→∞ और un/(un+1) = यहाँ पे n/(1+2)^(n)) यहाँ पे ये वाली चीज़ क्या आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। और इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 1+2^(n+1)/(1)), और यहाँ पे n+1, इस प्रकार से हमारे पास ये स्टेप आ जाएगा। दैट यहाँ पे मैंने इसको कर लिया, और जो कट रहा है उसको काटने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे मैं दोस्तों क्या कर रहा हूँ देखो, कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पे n, नीचे वाले में n+1 में से n कॉमन लूँगा। और जो दूसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप में यहाँ पे मैं यहाँ पर भी 2^n कॉमन लेने की कोशिश करूँगा। दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ देखो, lim(n→∞) un/(un+1)^(यहाँ पे n, और यहाँ से देखो मैं कॉमन क्या ले रहा हूँ, 2^n कॉमन ले रहा हूँ, 2^n कॉमन लिया। देट यहाँ पे देखो, 2^n+1 दे रखा है। देट यहाँ पे 2^n/2 इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ से मैंने 2^n कॉमन लिया। देट यहाँ पे 1/(2)^n बचेगा एक तो, और प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा ओनली वन दोस्तों, 2 बचेगा, ठीक है। इस प्रकार से ये बच जाएगा। फिर बाद में नीचे से यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, 2^n कॉमन ले रहा हूँ। और यहाँ पे बचेगा क्या है, यहाँ पे देखो दोस्तों, 1/(2)^(n+1) बचेगा। और यहाँ पे मैं n कॉमन लूँगा, देट यहाँ पे 1/(1)/n बचेगा, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं। देट यहाँ पे 2^n से 2^n कट गया, n से n कट गया, n-2 मैं इन्फाइनाइट रखूँगा यहाँ पे, n-∞ 2^(1/2)^n। देट यहाँ पे 0 हो जाएगा, +2, या 2 बचेगा +2, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे मल्टीपल पे 1। देट यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी दोस्तों 2 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ lim(n→∞) और un/(un+1)^(2), और 2 > 1, जो श्रेणी होगी वो श्रेणी अभिसारी श्रेणी होगी। कौन सी होगी दोस्तों, यहाँ पे अभिसारी श्रेणी होगी, ठीक है, अभिसारी श्रेणी होगी। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। देट यहाँ पे मैंने तीनों क्वेश्चन को रेगुलरली समझाया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और थर्ड और फिफ्थ, इन तीनों को मैं एक बार वापस समझा देता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पे इस फर्स्ट क्वेश्चन को मैं नॉर्मली किया, वैसे इसको दोलंबर से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1/(n² बन रहा है, और सहायक श्रेणी 1/(n² ले ली, और इसमें कट गए तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। डेट अभिसरण का जो व्याप या मान, सहायक श्रेणी का जो मान है वो किस पर, या अभिसरण का मान सहायक श्रेणी पर निर्भर करेगा। देन यहाँ पे 1/(n^p) और 1/(n²) दैट p की वैल्यू 2 आ जाएगी। दैट 2 > 1, अभिसारी श्रेणी होगी। फिर बाद में नेक्स्ट देखो, यहाँ पे 1^(p+2)^(p), और यहाँ पे देखो यानी 1 2 3, इस प्रकार n वा पद आ जाएगा, 1 2 3 4 यानी n^(p), और यहाँ 1 2 3 दैट फैक्टोरियल n, दैट n, un+1 दैट n+p, n+1 की होल पावर p, और n+1 इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो दोलंबर अनुपात परीक्षण से यहाँ पे मैं क्या करूँ, lim(n→∞) un/(un+1) दैट यहाँ पे n^(p), और यहाँ पे फैक्टोरियल n इज मल्टीपल वाई n+1 और n+1, इस प्रकार से मैंने इसको ले लिया। और यहाँ से मैं कॉमन क्या ले रहा हूँ, n^(p), यहाँ से फैक्टोरियल n कॉमन ले रहे। दैट यहाँ इसको सॉल्व करने पर अगला स्टेप इस प्रकार से, यहाँ से मैंने कॉमन ले, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया। दैट यहाँ पे इन्फाइनाइट आएगा, और इन्फाइनाइट इज ग्रेटर देन टू 1 होता दोस्तों, दैट यहाँ पे अभिसारी श्रेणी हो जाएगी। फिर बाद में इसी प्रकार यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर फाइव करने की कोशिश की, और क्वेश्चन नंबर फाइव में यहाँ पर प्रथम पद में छोड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर अभिसारी यहाँ पे कोई भी सीरीज दे रखी है, श्रेणी दे रखी है, उसमें प्रथम पद छोड़ने पर अभिसारी और उपसारी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता दैट यहाँ पे, ठीक है। तो एन पद यू एन इजिकल एन अपॉन वन प्लस टू की पावर एन, यू एन प्लस वन दैट यहाँ पे एन प्लस वन और वन प्लस टू की पावर एन प्लस वन, दो नंबर अनुपात परीक्षण लिमिट एन डैश इन्फाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन दैट यहाँ पे एन अपॉन वन प्लस टू की पावर एन इज मल्टीपल बाई वन प्लस टू की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से कर सकता हूँ। देखो कि यहाँ पे तो एन है, ठीक है, और यहाँ से टू की पावर एन कॉमन ले दे तो वन अपॉन टू एन प्लस टू, और यहाँ पे मैं टू की पावर एन और वन अपॉन टू एन प्लस वन और यहाँ पे एन कॉमन ले दे इस प्रकार से, देन इससे कट गया, इससे कट गया, और यहाँ पे एन डैश इन्फाइनाइट रखो दैट टू बचेगा, टू इज ग्रेटर देन टू वन, जो क्या होगी अभिसारी श्रेणी होगी। दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर पाँच तक मैंने करवा दिया, बाकी वाले जो मैंने छोड़ा है वो आप लोगों को सेल्फ करने हैं, इसी प्रकार के सरल लिए। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों सीधे अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और दैट अब आगे चल रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास होगा वो वाला जो होगा वो है हमारे पास सेवन्थ और एट्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे सेवन्थ और एट्थ क्वेश्चन किस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सातवां क्वेश्चन, ठीक है, छठा आप लोगों को करने की कोशिश करनी है सेल्फी, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर में सातवां, ठीक है, और सातवां क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, देखो इसकी सीरीज देखते पहले तो यहाँ पे इस प्रकार से दे रखा मैं कि वन की पावर थ्री और ए अपॉन टू प्लस ए प्लस टू की पावर थ्री अपॉन टू की पावर थ्री प्लस ए अपॉन टू की पावर टू, देखो टू की पावर टू प्लस ए, ठीक है, प्लस डॉट 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 और एन की पावर थ्री प्लस ए अपॉन टू की पावर एन प्लस ए, इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन देगा दोस्तों। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ श्रेणी का एनवा पद, यहाँ पे लिख रहा हूँ श्रेणी का एनवा पद, और एन पद को हम डिनोट करते हैं दोस्तों यहाँ पे यू एन से, और यू एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एन की पावर थ्री प्लस ए अपॉन टू की पावर एन प्लस ए दैट यहाँ पे दो लंबर अनुपात परीक्षण से इसको करेंगे। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यू एन अपॉन यू एन, या फिर मैं यू एन प्लस वन, यू एन प्लस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन की होल पावर थ्री प्लस ए, और यहाँ पे टू एन प्लस वन और प्लस ए, इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन दे रखा था और इसको हम यू एन प्लस वन लिखा है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिमिट एन, या फिर पहले इसको लिख देता हूँ दो लंबर अनुपात परीक्षण से, दो लंबर अनुपात परीक्षण से, और दो लंबर अनुपात परीक्षण क्या कह रहा, देखो यहाँ पे लिमिट एन डैश टू इन्फाइनाइट, लिमिट एन डैश टू इन्फाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो एन की पावर थ्री ए अपॉन टू की पावर एन प्लस ए इज मल्टीपल बाय, और ये जो नीचे वाली चीज़ ऊपर आ जाएगी यहाँ पे टू की पावर एन प्लस वन प्लस ए अपॉन एन प्लस वन की होल पावर थ्री प्लस ए, इस प्रकार से मैंने इसको करने की कोशिश की। और यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूँगा दोस्तों इस प्रकार से, देखो लिमिट एन डैश टू इन्फाइनाइट और यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कॉमन क्या ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे एक तो एन की पावर क्यूब कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, दैट यहाँ पे बचेगा क्या वन प्लस ए अपॉन एन की पावर थ्री बचा, फिर यहाँ से कॉमन क्या ले रहा हूँ टू की पावर एन, दैट यहाँ पे वन प्लस वन ए अपॉन टू की पावर एन बचा, दैट यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से टू की पावर एन कॉमन ले रहा हूँ, दैट यहाँ पे टू तो बचेगा प्लस यहाँ पे ए की पावर टू की पावर एन बचेगा, ठीक है, और फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे देखो एन की पावर थ्री कॉमन लूँगा, दैट यहाँ पे एन की पावर थ्री कॉमन लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों, इस प्रकार से देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वन प्लस वन अपॉन एन की पावर थ्री थ्री की पावर, इस प्रकार से हमारे पास ये बच गया, और यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है, प्लस इसको मैं
इसको साथ में ले लेते हैं, ठीक है। इसको क्या कर लेते हैं, साथ में ले लेते हैं इसको। एक मिनट देखो, यहाँ पे पावर 3 तो आएगा, प्लस यहाँ पे ए की पावर ए अपॉन एन की पावर 3, में इसको इस प्रकार से भी ले लेता हूँ, एन की पावर 3, और यहाँ पे क्या लगा लेता हूँ, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, ठीक है। दैट इस प्रकार से अंदर जाएगा, तब ये 1/n की पावर क्यूब है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट देते हैं। देखो, 2 की पावर n से 2 की पावर n, n की पावर 3 से n की पावर 3 कट गया, और एन डैश टू इनफाइनाइट, एन डैश टू इनफाइनाइट, यानी कि यहाँ पे इनफाइनाइट रखो, ये 0 हो जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पे ये 0 हो जाएगा या 2 बचेगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये 1 बचेगा। और यहाँ पे हमारे पास देखो दोस्तों, यहाँ पर भी ये 0 आएगा, 1 बचेगा, यहाँ पर दैट यहाँ पे हमारे पास ओनली 2 बचेगा दोस्तों। क्या बचेगा, 2 बचेगा। दैट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट un अपॉन un+1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 > 1, तो श्रेणी यहाँ पे दोस्तों अभिसारी श्रेणी होगी। कौन सी होगी, अभिसारी श्रेणी होगी, ठीक है, अभिसारी श्रेणी होगी। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ क्या होगी, ये अभिसारी श्रेणी होगी। और अब आगे क्वेश्चन जो दे रखा है हमारे पास 8th वाला, और 8th वाला क्वेश्चन मैं करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो 8th वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करूँगा। देख, इसको मैं यहाँ से थोड़ा जगह हमारे इसलिए थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा नज़दीक लिख देता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर n³a/2n+1, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या खींच देता हूँ, इस प्रकार से मैं ये लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, और क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूँ मैं 8 वाला, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास एक्स, देखो x^(1.2) + x^(2)/3.4) + x^(3)/, और यहाँ पे 5.6 + ... इस प्रकार से हमारे पास ही इक्वेशन दे रखी है। देन श्रेणी का nवा पद यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, श्रेणी का nवा पद इस प्रकार से हो जाएगा, यू एन इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो x^(x^2) x^(3) दैट यहाँ पे x^n, और यहाँ 1, 2, 3 देखो, 1, 2, 5 देखो, 1, 3, 5 ऐसे दे रखा। देन 2n - 1, और यहाँ दे रखा 2, 4, 6 दैट यहाँ पे 2n। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा, श्रेणी का nवा पद आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे un+1 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे un+1 दैट यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ x^(n+1)/2। देखो यहाँ पे 2n+1 दैट यहाँ पे देखो 2n+1 - 1 दैट यहाँ पे 2n+2 - 1 2n+1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2n+1, और यहाँ पे आ जाएगा 2n+1 दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से फिर, या फिर इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो दोस्तों, यहाँ पे इसको मैं लिख रहा हूँ दोलंबर अनुपात परीक्षण से, ठीक है। और यहाँ पे दोलंबर अनुपात परीक्षण क्या कह रहा है, देखो लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट un/un+1 इज इक्वल टू, यहाँ पे x^(n)/2n-1, और यहाँ पे देर का 2n, ठीक है, इज मल्टीपल बाई, देखो ये वाली चीज़ नीचे ऊपर आ जाएगी ऊपर, और 2n+1 और 2n, या फिर मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ 2n+1, ठीक है। दैट यहाँ पे इसको इस प्रकार रखा, और यहाँ x^(n+1), ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। अब इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट और un/un+1 इज इक्वल टू, x^(n) कॉमन ले रहा हूँ, x^(n) यहाँ से 2^(n) कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं यहाँ से क्या ले रहा हूँ दोस्तों, 2n कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं 2n कॉमन ले लिया, देट यहाँ पे 1 - 1/2
टू एन बच जाएगा और यहाँ टू एन ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, इस प्रकार से। फिर बाद मल्टीपल बाई, और यहाँ से भी मैं क्या ले रहा हूँ, टू एन कॉमन लिया, दैट यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा देखो इस प्रकार से, वन प्लस वन अपॉन टू एन, और यहाँ से भी मैं एन कॉमन ले रहा हूँ, दैट यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, टू तो दो का हमें ऑलरेडी बार एन कॉमन ले लिया, दैट वन प्लस वन अपॉन एन, ठीक है, अपॉन में यहाँ पे एक्स की पावर एन डॉट एक्स की पावर वन, इस प्रकार से हमारे पास बच गया, ठीक है। और इसको मैं करने की कोशिश करूँगा दोस्तों यहाँ पे, या काटने की कोशिश करूँगा, देखो टू की पावर टू एन, टू एन, टू एन, टू एन, ठीक है, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन, एन डैश्ड इनफाइनाइट, दैट यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा वन बचेगा, यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा वन बचेगा, और यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा वन बचेगा, दैट वन अपॉन एक्स, यहाँ पे सिर्फ वन अपॉन एक्स ही बचेगा। देखो यहाँ पे लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट इन एन डैश टू इनफाइनाइट और इज इक्वल टू यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू वन, वन अपॉन एक्स बच रहा है, क्या बच रहा है, वन अपॉन एक्स, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो एक्स की वैल्यू है वन अपॉन एक्स, या फिर मैं कह सकता हूँ वन अपॉन एक्स इज़ ग्रेटर दैन टू वन, वन अपॉन एक्स इज़ ग्रेटर दैन टू वन, या फिर मैं कह सकता हूँ कि वन इज़ ग्रेटर दैन टू एक्स, अभिसारी श्रेणी होगी, कौन सी होगी, अभिसारी श्रेणी होगी, यदि वन अपॉन एक्स इज लेस दैन टू वन या वन इज लेस दैन टू एक्स, देन अपसारी श्रेणी होगी, यहाँ पे अपसारी श्रेणी होगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, एक्स इज इक्वल टू वन के लिए, एक्स इज इक्वल टू वन के लिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, दैट यहाँ पे हमारे पास जो एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है, तो लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट, या फिर मैं इसमें डायरेक्ट जो हमारे पास ये यू एन आई यहाँ पे इसकी वैल्यू में पुट करने की कोशिश करूँगा, देखो यहाँ पे मैं लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको लाइनिंग कर ली, और यहाँ पे यू एन इज इक्वल टू एक्स की, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू वन लूँगा, यहाँ पे क्या लूँगा दोस्तों, एक्स इज इक्वल टू वन के लिए, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू वन के लिए यहाँ पे क्या करूँगा, देखो एक्स इज इक्वल वन हो जाएगा ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे वन अपॉन एक्स, देखो वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन, दैट यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू वन के लिए, यहाँ पे ध्यान रखना कि एक्स इज इक्वल टू वन किस प्रकार से है, दैट यहाँ पे एक्स जगह वन रखूँगा, दैट यहाँ पे वन की पावर एन क्या होता है, वन ही होता है, दैट यहाँ पे टू एन माइनस वन और टू एन, टू एन माइनस वन और टू एन, दैट यहाँ से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखो यू एन, यू एन इज इक्वल टू वन अपॉन टू एन कॉमन लिया, यहाँ से टू एन कॉमन लिया, दैट यहाँ पे टू एन, और यहाँ पे टू एन ऑलरेडी दे रखा है, दैट टू की पावर एन की पावर टू और टू की पावर टू, और यहाँ पे क्या बस वन अपॉन टू एन, इस प्रकार से हमारे पास ये बच जाएगा, दैट यहाँ पे मैंने इसको ले लिया बाहर, ठीक है, दैट यहाँ पे हमारे पास सहायक श्रेणी, मैं अगर सहायक श्रेणी की बात करूँ तो सहायक श्रेणी जो हाइपर हार्मोनिक सहायक श्रेणी यू एन, यहाँ पे मैं लेना वी एन लेना चाहता हूँ, तो वन अपॉन एन स्क्वायर, यहाँ पे नॉन वेरिएबल नंबर को नहीं लेते, वेरिएबल नंबर को लेते, ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, देन यहाँ पे एन स्क्वायर, देन यहाँ पे लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट और यू एन अपॉन वी एन इज इक्वल टू, यहाँ पे यू एन क्या दे रखा हमारे पास, या यू एन, ठीक है, तो वन अपॉन टू एन माइनस वन, या फिर मैं यू एन इसको लिख दे टू की पावर टू और एन की पावर टू और वन माइनस टू की पावर टू एन, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एन स्क्वायर, ठीक है, दैट जो कट रहा है उसको काट देते हैं एन स्क्वायर से, एन स्क्वायर कट गया, दैट यहाँ पे लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन वी एन, दैट यहाँ पे एन डैश टू इनफाइनाइट, यहाँ जीरो हो गया, इसका मान जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे वन अपॉन फोर बचेगा, क्या बचेगा दोस्तों, वन अपॉन फोर ही बचेगा, और वन अपॉन फोर क्या होता है देखो यहाँ पे, इसमें भी यहाँ पे हम डिसाइड थोड़ा सा नहीं कर सकते हैं, दैट यहाँ पे वन अपॉन फोर, ठीक है, जैसे अभिसरण का जो मान है वो सहायक श्रेणी पर निर्भर करेगा, दैट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वी एन इज इक्वल टू, वी एन इज इक्वल वन अपॉन एन पी इज इक्वल टू वन अपॉन एन स्क्वायर, दैट यहाँ पे पी की वैल्यू टू और टू इज ग्रेटर देन टू वन, अभिसारी श्रेणी की क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे अभिसारी श्रेणी होगी, ठीक है, अभिसारी श्रेणी होगी, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ, दैट यहाँ पे आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने इस साइड में लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें दिख रहा था कि जगह की रिक्वायरमेंट होगी थोड़ी, दैट यहाँ पे मैंने इसको इस प्रकार से थोड़ा लिखा, ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन के बारे में। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम
शायद हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे 12वां क्वेश्चन करेंगे, ठीक है 12वां क्वेश्चन करेंगे, फिर बाद में इसके बाद 14वां क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो 12वां क्वेश्चन किस प्रकार से होगा देखो यहाँ पे एक बार देख लेते इसको भी। क्वेश्चन नंबर 12 करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 12 किस प्रकार से हो जाएगा देखो यहाँ पे क्वेश्चन 12, ठीक है। और क्वेश्चन 12 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2x, देखो 2x अपॉन 1 की पावर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 3 प्लस 4x क्यूब अपॉन 3 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से मैं दे रखा है। तो nवां पद यहाँ लिख रहा हूँ मैं nवां पद, और nवां पद हमारे पास un इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, un इज इक्वल टू यहाँ पे 2, 3, 4 दैट n प्लस 1 और x की पावर 1, 2, 3, 4 दे रहेगा x की पावर n, और यहाँ पे 1 की या n की पावर 3 हो जाएगा, दैट यहाँ पे un प्लस 1 क्या हो जाएगा दो नंबर, अब दो नंबर अनुपात परीक्षण से करेंगे, दैट यहाँ पे n प्लस 2 और x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 की ऑल पावर 3, दैट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दो नंबर अनुपात परीक्षण, दो नंबर अनुपात परीक्षण, दो नंबर अनुपात परीक्षण किस प्रकार से आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे देखो, दो नंबर अनुपात un लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट n डैश टू इनफाइनाइट और un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास n प्लस 1 की होल पावर या x की पावर n अपॉन n की पावर 3 इज मल्टीपल बाय यहाँ पे n प्लस 1 की होल पावर 3 अपॉन, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा n प्लस 2 की होल पावर n प्लस 2 या x की पावर n प्लस 1, दैट यहाँ पे क्या क्या कॉमन ले रहा हूँ, एक तो n कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से भी n कॉमन, यहाँ से भी n कॉमन, x की पावर n यहाँ से बाहर निकालूंगा, दैट यहाँ पे लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे n 1 प्लस देखो 1 अपॉन n और x की पावर n, और यहाँ पे नीचे देखो n की पावर 3 का n की पावर 3, और यहाँ से मैं n की पावर 3 कॉमन ले लिया, दैट या 1 प्लस 1 अपॉन n की होल पावर 3, और यहाँ पे हमारे पास n कॉमन लेते ही क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ 1 प्लस 2 की पावर 2 अपॉन n और x की पावर n डॉट x की पावर 1, दैट यहाँ पे मैं क्या करूँगा x की पावर n से x की पावर n, n की पावर 3 से n की पावर 3, n से n कट जाएगा, दैट यहाँ पे n डैश इनफाइनाइट ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 अपॉन x बचेगा, क्या बचेगा दोस्तों यहाँ पे लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 1 अपॉन x बचेगा, ठीक है 1 अपॉन x बचेगा, दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से कर लिया। और आगे वाला जो टॉपिक रहेगा हमारे पास, तो यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे 1 अपॉन x, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 या इज ग्रेटर देन टू 1 या x इज ग्रेटर देन टू 1 हो, या कह सकता हूँ मैं 1 इज ग्रेटर देन टू x हो, दैट अभी सारी श्रेणी होगी, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पे 1 अपॉन x इज लेस देन टू 1 या 1 इज लेस देन टू x हो, देन यहाँ पे अब सारी श्रेणी होगी, और यदि मैं यहाँ पे इसी को यहीं तक रखूँगा दोस्तों, ठीक है आगे हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज ऑफ यहाँ पे x की x इज इक्वल टू 1 रखेंगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे x की जो वैल्यू 1 रखूँगा यहाँ पे, दैट यहाँ पे यहाँ तो 1 है n प्लस 1 और n की पावर 3, दैट आगे हो सकता है लेकिन यहाँ पे आगे नहीं करेंगे, यहीं पे इसको डिसाइड कर लेंगे अभी सारे अब सारे, क्योंकि आगे भी हमारे पास ऐसे ही होगा, ठीक है यहाँ पे सहायक श्रेणी लेंगे या फिर नहीं लेंगे उससे देखो कर लेना दोस्तों इससे आगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर मैं आगे बता रहा हूँ 14, क्वेश्चन नंबर आगे वाला बता रहा हूँ मैं 14, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 किस प्रकार से होगा देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की जो सहायक श्रेणी या फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ पे हमारे पास जो पद दे रखा हुआ इस प्रकार से, ठीक है 1 प्लस 2, देखो 1 प्लस 2 बाय 5 एक्स प्लस 6 अपॉन 9 एक्स स्क्वायर प्लस
डॉट 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 टू की पावर एन माइनस टू अपॉन टू की पावर एन प्लस वन और एक्स की पावर एन माइनस वन, इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखा। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं इसको करने की कोशिश करूँगा और यहाँ पे हमारे पास रहेगा का एन वा पद क्या हो जाएगा, एन वा पद, दैट यहाँ पे यू एन इज इक्वल टू टू की पावर एन माइनस टू अपॉन टू की पावर एन प्लस वन इज मल्टीपल बाई एक्स की पावर एन माइनस वन, इस प्रकार से हमारे पास दे रखा। ठीक है, और यहाँ पे मैं यू एन प्लस वन लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे यू एन प्लस वन इज इक्वल टू टू की पावर एन प्लस वन माइनस टू अपॉन टू की पावर एन प्लस वन प्लस वन, और यहाँ पे एक्स की पावर एन माइनस वन है, दैट यहाँ पे एन आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको आगे दो नंबर अनुपात परीक्षण से इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दो नंबर अनुपात परीक्षण। ठीक है, दो नंबर अनुपात परीक्षण, और दो नंबर अनुपात परीक्षण से देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट एन डैश टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे सबसे पहले यू एन टू की पावर एन माइनस टू अपॉन टू की पावर एन प्लस वन इज मल्टीपल बाई, या फिर मैं कह सकता हूँ इसमें ये मल्टीपल में दे रखा है, एक्स की पावर एन माइनस वन इज मल्टीपल बाई, ये सबसे नीचे वाली चीज़ ऊपर आ जाएगी, और यहाँ पे लिख देता हूँ टू की पावर एन प्लस वन प्लस वन, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा नीचे टू की पावर एन प्लस वन माइनस टू की पावर एन प्लस वन माइनस टू इज मल्टीपल बाई, ये इसके ब्रैकेट में, ठीक है ये ध्यान रखना। ठीक है, ये इसके ब्रैकेट में है, ये इसके ब्रैकेट में और ये इसके ब्रैकेट में, पूरे के पूरे ब्रैकेट, और यहाँ पे x की पावर n, दैट यहाँ पे इस प्रकार से मैंने इसको सॉल्व कर लिया। दैट यहाँ पे इसको मैं काटने जो जहाँ पे पहले इसको कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे टू की पावर n कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से टू की पावर n, यहाँ से भी टू की पावर, यहाँ से भी टू की पावर n, दैट यहाँ पे मैं टू की पावर एन कॉमन ले देता हूँ, यहाँ पे क्या बचेगा वन माइनस टू अपॉन टू की पावर एन बचा, और यहाँ पे एक्स की पावर एन डॉट एक्स की पावर माइनस वन नीचे टू की पावर एन कॉमन आ जाएगा, दैट वन प्लस वन अपॉन टू की पावर एन, ठीक है इज मल्टीपल, यहाँ पे टू की पावर एन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा देखो टू प्लस वन अपॉन टू की पावर एन बचेगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों टू की पावर एन टू माइनस टू अपॉन टू की पावर एन, ठीक है, और इंटू एक्स की पावर एन, ठीक है जो कट रहा है उसको काट देते हैं। ठीक है, तो ये वाला टू की पावर एन टू की पावर एन, ये सारे के सारे कट रहे हैं यहाँ पे एक्स की पावर एन से, एक्स की पावर एन कट गया, एन डैश टू इनफाइनाइट है, देन ये जीरो हो जाएगा, फिर बाद में ये भी जीरो आ जाएगा, टू बचेगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर ये भी जीरो आ जाएगा और यहाँ पर भी टू बचेगा, देन टू अपॉन टू कितना होता है दोस्तों वन हो जाता है, टू अपॉन टू कितना हो जाता है वन हो जाता है, दैट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे वन आया है और वन अपॉन एक्स आया, ठीक है वन अपॉन एक्स आया, दैट यहाँ पे मैं अगर कह सकता हूँ कि वन वन अपॉन एक्स, दैट वन अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन टू वन, या फिर इसको वन इज ग्रेटर देन टू एक्स, तो अभिसारी होगी, श्रेणी कौन सी होगी अभिसारी होगी, ठीक है, और यदि मैं यहाँ पे वन अपॉन एक्स लेस देन टू वन या वन इज लेस देन टू एक्स, तो कौन सी अपसारी होगी अभिस अपसारी होगी, श्रेणी अपसारी होगी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स यहाँ पे वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन, दैट यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू वन के लिए, ठीक है एक्स इज इक्वल टू वन के लिए यहाँ पे मैं डिसाइड करूँगा कौन सी श्रेणी होगी अभिसारी होगी अपसारी होगी, दैट यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे इसको इस प्रकार से, ठीक है, तो यू एन इज इक्वल टू टू की पावर एन माइनस टू अपॉन टू की पावर एन प्लस वन, और एक्स की पावर एक्स जगह वन आ जाएगा, दैट यहाँ पे एक्स की पावर एन माइनस वन, तो यहाँ पे पूरा पूरा हट जाएगा, दैट इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, दैट यहाँ पे इसको करने के बाद दोस्तों देखो यहीं पे मैं डायरेक्ट जो हमारे पास एक्सरसाइज फर्स्ट थी उसमें डायरेक्ट हम करते थे लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट और यू एन इज इक्वल टू, यहाँ से टू की पावर एन कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे वन माइनस टू की पावर एन, और यहाँ पे
टू की पावर एन कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है, देखो इस प्रकार से हमारे पास ये टू की पावर एन कॉमन लेने पर वन प्लस वन अपॉन टू की पावर एन, दैट यहाँ पे इससे इससे कट गया, इसको जीरो रखने पर लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट यू एन इज इक्वल टू वन बचा है, और वन से हम क्या क्या हम डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो लेस देन इक्वल वन आता है दैट यहाँ पे क्या आ जाता है दोस्तों, लेस देन इक्वल दैट यहाँ पे अपसारी श्रेणी, अतः अपसारी श्रेणी, ठीक है अपसारी श्रेणी होगी, ठीक है इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवन्थ एट और एट के बाद ट्वेल्थ और फोर्टीन क्वेश्चन, ठीक है आज के लिए मैंने इतने क्वेश्चन करा है, कल हम करेंगे इसके आगे 15, 16, 17, 18, ये क्वेश्चन चार बच्चे हैं इस एक्सरसाइज के, और इसको करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा दोस्तों या नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रॉबीज टेस्ट रहेगा, ठीक है रॉबीज टेस्ट, और रॉबीज टेस्ट के बाद यह एक्सरसाइज होगी हमारे पास फोर्थ डी, और फोर्थ डी के क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे विद एग्जाम्पल, ठीक है। तो दोस्तों आज के सेशन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सीधा अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। देन थैंक यू, धन्यवाद, और आज का संदेश इस प्रकार से है।